वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। क्लियर। सो जो बैक्टीरिया है वो थ्री टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। एक तो है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में हम स्टडी करेंगे जनरलाइज्ड टाइप क्या होता है और स्पेशलाइज्ड टाइप क्या होता है। ठीक है जी। फिर हम स्टडी करेंगे सबसे लास्ट में कॉन्जुगेशन। ये तीन मोड है। बाकी ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरिया है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस और मेजर दो तरीकों से करता है। एक तो है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फिशन। ठीक है जी, बाइनरी फिशन के थ्रू करेगा। और दूसरा होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इसके थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दो के थ्रू होता है मेजरली। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन थ्री मेथड्स के थ्रू होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले ये किसने रिपोर्ट किया ये समझना होगा, इसकी उसने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ग्रिफिथ ने 1928 के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करे। क्या एक्सपेरिमेंट करे पहले वो स्टडी करते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब हुआ। उन्होंने क्या किया, इसके एक तो स्मूथ स्ट्रेन लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का एक तो लिया स्मूथ स्ट्रेन, एक लिया रफ स्ट्रेन, और दोनों को माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, माइस के अंदर। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस क्या कर गया, माइस डाई कर गया, माइस मर गया। बट जब उन्होंने रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस सर्वाइव कर गया। ठीक है। इस बार उन्होंने क्या किया, कुछ सोचा कि नया करें, तो इस बार उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, यानी एक तरह से ये समझ लो कि एस स्ट्रेन को मार दिया। ठीक है। तो लिविंग नहीं है वो, डाई कर गया। तो अब वो कायदे में, मतलब अब उसकी वजह से माइस डाई नहीं करना चाहिए। ठीक है। बिकॉज जो एस स्ट्रेन प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, जिसकी वजह से माइस मर रहा था, अब वो तो खत्म हो गया। ठीक है। तो अब आर और आर स्ट्रेन को भी ऐड किया इसके अंदर, और आर स्ट्रेन पहले से भी कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा था, तो इस बार क्या होना चाहिए, इस बार माइस सर्वाइव करना चाहिए, है ना। बट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस बार भी माइस क्या कर गया, डाई कर गया। तब उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन ने किया है आर स्ट्रेन के साथ, कि ये भी किसकी तरह एक्ट करने लग गया, एस स्ट्रेन की तरह। तो कुछ ना कुछ कारस्तानी इस एस स्ट्रेन ने की है, जो जिसकी वजह से आर स्ट्रेन भी किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एस स्ट्रेन के अंदर। तो यहाँ से शब्द समझ में आया, तो ऐसे कुछ ना कुछ किया है एस स्ट्रेन के ने। ठीक है। सो इतना पता लगा है किसने, ग्रिफिथ ने। ठीक है। बट उन्हें ये नहीं पता था कि क्या कारस्तानी करी उस एस स्ट्रेन ने जो आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है। बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्म किस वजह से वो नहीं उन्हें पता था। तो इसका पता किसने लगाया, इसका पता लगाया 1944 में एवरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट भी वही है कि और भी एक्सपेरिमेंट अगर तो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझाने के लिए बताया इसका एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे हमने जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उससे हमने पता लगाया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। कि एस स्ट्रेन ने अपना डीएनए आर स्ट्रेन में पास किया है किसी तरीके से, जिस वजह से वो ट्रांसफॉर्म कर गया आर स्ट्रेन इंटू एस स्ट्रेन। ठीक है जी। सो यही प्रोसेस, मतलब यही होता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये कैसा तरीका है, एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है। ठीक है। एक होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफर। उसमें क्या होगा कि अगर ये बैक्टीरियल सेल अपनी प्रोजेनी के अंदर उस जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर रहा है, पास डाउन कर रहा है, तो एक तरह से वो क्या होगा, वर्टिकल जीन ट्रांसफर। बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है, क्योंकि वो प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं कर रहा, वो किसी अदर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। वो किसी अदर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर रहा है जीन को। ठीक है जी। सो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हुआ। और हमें इससे मतलब नहीं है कि ये जो डोनर बैक्टीरियल सेल है वो लिविंग है या फिर मर गया, बिकॉज कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए होता। लिविंग कब चाहिए होगा, कब, अगर ये एक बैक्टीरिया है और ये ए बैक्टीरिया इस बी बैक्टीरिया को आके पकड़ा रहा है कि भाई ये ले लो जेनेटिक मटेरियल, तो चाहिए भी कि ये लिविंग हो, ये या इसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए। बट ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नहीं होता। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि अगर ये ए बैक्टीरिया था, इसने क्या किया, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अपना जेनेटिक मटेरियल एनवायरमेंट में छोड़ दिया। ठीक है। रिलीज कर दिया इसने। अब क्या होगा, अब कोई बी बैक्टीरियल सेल है, अब इसने ये अपॉर्चुनिटी देखी और इसने इस बैक्टीरियल सेल को अप का अपटेक कर लिया और अपने अंदर ले लिया। ठीक है। तो इसे इस बी बैक्टीरियल सेल को इस ए बैक्टीरियल सेल से कोई वास्ता नहीं है कि मर गया है जिंदा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस क्या कंडीशन है मेन, कि एनवायरनमेंट में ये जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए,
जो अपटेकर का बैक्टीरियल सेल, और ये वाली बात भी कि ऐसा बैक्टीरियल सेल होना चाहिए जो अपटेक कर ले, यानी वो शर्माए ना उठाने में, सिंपल भाषा में, है ना। तो ऐसे बैक्टीरियल सेल जो अपटेक कर लेते हैं इस जेनेटिक मटेरियल का, उन्हें क्या कहते हैं हम, कॉम्पिटेंट सेल्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरियल सेल जो वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाएंगे जिनके पास एबिलिटी होगी कि वे इस एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल को जो बाहर फ्री फॉर्म में पड़ा है एनवायरनमेंट के अंदर, उसे उसका अपटेक कर लें। और ऐसे बैक्टीरियल सेल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स कहते हैं, क्लियर। तो अब क्या होगा कि अब जब ये एंटर कर जाएगा, ठीक है, अब हम तीन केस पढ़ते हैं। अब ये रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब इसका खुद का भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है जी, ये जो ब्लू से मैं बना लूँ, ये लेट इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और जो अब टेक करके आया वो हम करते हैं ग्रीन से, ठीक है। तो दो, और ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तीन केस हो सकते हैं कि अगर ये जो एक्सोजीनस, ये जो एक्सोजीनस जो इसका खुद का नहीं है, जो बाहर से लिया है इसने, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, अगर ये इस बैक्टीरियल डीएनए से बहुत डिफर कर गया तो इसके काम का ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये इसे डिस्ट्रॉय करवा देगा, न्यूक्लियसिस फॉर्म करवा कर इस एक्स्ट्रा इस एक्सोजीनस जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करा देगा, ठीक है जी। बट अगर लेट ये सिमिलर हुआ, ये तो था डिससिमिलर होने पे, ठीक है। अगर अब ये हो अगर सिमिलर, तो सिमिलर होने पर दो केस हो सकते हैं, या तो ये जो एक्सोजीनस जेनेटिक मटेरियल है या तो प्लाज्मिड की फॉर्म में रहे, कि यानी इनकॉर्पोरेट ना करे इस बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, इस रेसिपिएंट के खुद के डीएनए में अगर इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, एज अ प्लाज्मिड रह रहा है, तो एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि वो इनकॉर्पोरेट कर जाए इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर मैंने शो कर दिया, तो इनकॉर्पोरेट करके हमें दिख रहा है, ठीक है। और दूसरे के अंदर क्या हुआ कि ये जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल क्रोमोजोम है, ये तो अपनी जगह पर है ही, ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरग्रेशन नहीं हुआ, बट ये एज अ प्लाज्मिड की तरह एक्ट कर रहा है जो बाहर से आया है, जो अब जिस जेनेटिक मटेरियल को उन्होंने अपटेक किया है, ठीक है। सो ये कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है जी। सो यही लिखा है इनके अंदर कि ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर जो है वो साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, और अगर वो बहुत डिफरेंट होगा किसके, बैक्टीरियल डीएनए खुद जो बैक्टीरिया का रेसिपिएंट डीएनए है उससे, रेसिपिएंट बैक्टीरिया का डीएनए, तो इसे डिग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सिमिलर हुआ तो वो इंटीग्रेट कर जाएगा क्रोमोसोम में, ठीक है। और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि जो एक्सोजीनस जेनेटिक मटेरियल है वो कोएग्जिस्ट करा एज अ प्लाज्मिड, इंटीग्रेशन नहीं हुआ मतलब उसका क्रोमोसोमल डीएनए में रेसिपिएंट के, ठीक है। रीज़न क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जनरली ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न ये होता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सबसे बलशाली है, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है, सबसे यहाँ पे लिखा भी है, एनवायरनमेंट सबसे बलशाली है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में कुछ सर्टेन चेंजेस हुए, उस चेंजेस की वजह से ए बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटेरियल एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, लेट ये डाई करेगा, और इसने अपना एनवायरनमेंट, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो एनवायरनमेंट पर रिलीज कर दिया, ठीक है। तो बी बैक्टीरिया को क्या होगा, जो कॉम्पिटेंट की तरह एक्ट कर सकता है, कि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल तो है ही, ठीक है। अब वो भी अडेप्ट करने के बाद ही, वो अडेप्ट करने के बाद ही बना है एनवायरमेंटल कंडीशन में, तो इसके पास सर्टेन एडवांटेज ऑलरेडी है, ठीक है। बट अगर ये वाले जो जेनेटिक मटेरियल है डोनर का, वो भी अपने अंदर ले लेगा, अब उसका अपटेक कर लेगा, तो अब इसके पास डबल एडवांटेज हो गया, क्योंकि इसकी इन इस जेनेटिक मटेरियल के भी सर्टेन फीचर्स होंगे जो इसे एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे होंगे, भले ही इस वाली नहीं है ना। तो ये तो कर गया डाई, ठीक है। तो इसने इसने अपना छोड़ दिया जो वो है जेनेटिक मटेरियल है, बट इस जेनेटिक मटेरियल का फायदा किस हो जाएगा, इस कॉम्पिटेंट इस रेसिपिएंट को हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक रीज़न हो जाता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है ये क्या है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, ठीक है। रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के पास ये क्या है, एनवायरनमेंट में जो डोनर का डीएनए है, ठीक है। अब उसका ही क्या करेगा, अपटेक करेगा, ठीक है। अपटेक कर लिया तो ये इसके अंदर आ गया, जैसे फिगर में शो हो रहा है। अपटेक करने के बाद क्या होगा, जैसे मैंने बताया, तो इसे डिग्रेड कर दिया जाएगा, अगर डिसिमिलर हुआ तो, लेट ये सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, इंटीग्रेट कर जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, या फिर एज अ प्लाज्मिड की तरह कोएग्जिस्ट करेगा क्रोमोसोमल डीएनए के साथ बैक्टीरिया के, ठीक है जी। इसके कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं, इस जो ये नेचुरल फिनोमिना है, कि याद जैसे अब
हमें कोई एक स्पेसिफिक डीएनए का पार्ट है जिसे हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, ऐसे डीएनए को हमने उस एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जिसमें एक कॉम्पिटेंट सेल है, एक कॉम्पिटेंट सेल है, वो क्या करेगा, इसका अपटेक कर लेगा, अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेगा, और इंटीग्रेट करने के बाद अपने प्रोजेनी में भी जब डिवाइड करेगा, रिप्लिकेट करेगा, तो अपने प्रोजेनी में भी उस डीएनए को वापस रिप्लिकेट कराएगा जो इसने अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। खुद के क्रोमोसोम के साथ साथ इसका भी रिप्लिकेशन होगा, तो इस तरह से मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है। क्लोनिंग प्रोसीजर में भी इसी एप्लीकेशन का यूज़ होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये है कि प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं कि इनकी अमाउंट बढ़वाना, लेट ये जो बैक्टीरिया सेल है, ए बैक्टीरियल सेल है, या फिर कहूँ जो ये बी बैक्टीरियल सेल है, बी बैक्टीरियल सेल, अब ये सर्टेन प्रोटीन्स प्रोटीन्स प्रोटीन सी और प्रोटीन से डी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये दो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, बट ये बहुत कम अमाउंट में यूज़ करता है, और हमें ये प्रोटीन्स चाहिए कि ये ज़्यादा अमाउंट में बनाए, ठीक है। सो हमने क्या किया, ऐसे सर्टेन फैक्टर्स यूज फॉर्म मतलब इसे प्रोवाइड करा दिए, एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करा दिया कि अगर ये सब टेक कर लेगा तो इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जो हमारे डिजायर्ड एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम इस फिनोमिना को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, सी डी एन ए लाइब्रेरीज की फॉर्मेशन में हेल्प हो जाती है, ठीक है। सी डी एन ए लाइब्रेरीज, सो सी डी एन ए लाइब्रेरीज क्या होती हैं कि या तो हम क्या करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका पूरा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को स्टोर कर लें, ठीक है। लेकिन डीएनए के में पता है कि कुछ पार्ट ऐसा भी होगा, एक्चुअली इवन जो ज़्यादा पार्ट होता है वो क्या पार्ट होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, ठीक है। नॉन कोडिंग रीजन होता है कि वो कभी किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता, तो वेस्ट है एक तरीके से, ठीक है। और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कोड करता है, सिर्फ कुछ पार्ट कोड करता है, ठीक है। तो जो कोड पार्ट करता है जब हम उन्हें स्टोर करते हैं, यानी ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो एक्सप्रेस होता है, ठीक है, जब हम उसे स्टोर करते हैं, तो जिस लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं, सी डी एन ए लाइब्रेरी, जैसे नेम में पता भी चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टोर करते हैं। बिकॉज डीएनए जब एमआरएनए बनाएगा तो सिर्फ वही जीन एक्सप्रेस हुए, है ना, सिर्फ तो सिर्फ इसके अंदर वही जेनेटिक मटेरियल है जो एक्सप्रेस हुआ, जो जीन एक्सप्रेस हुए, ठीक है। सो इसका हम क्लोन ले लेते हैं, जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर पूरा का पूरा डीएनए स्टोर होता है, ठीक है। और इस जो क्लोन्ड किया गए कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स इसके डीएनए के, जैसे एमआरएनए हो गया, ठीक है, उसे क्लोन कर लेता है और होस्ट सेल्स के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है। सो एज अ लाइब्रेरी वर्क कर रहा है, पन्ने पर तो स्टोर करेंगे नहीं, है ना, तो किसी होस्ट सेल के अंदर ही डालेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, यहाँ भी उस ए बैक्टीरिया का बी बैक्टीरिया के पास होना ज़रूरी नहीं है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मीडिएटर है, ठीक है, क्या है, एक मीडिएटर है। वो मीडिएटर कौन है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जिसको नहीं पता, बैक्टीरिया का वायरस होता है, ठीक है, बैक्टीरियल वायरस होता है, ठीक है। तो ये क्या, पहले देख लेते हैं किसने रिपोर्ट किया था, किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। लेडरबर्ग एंड जिंडर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था 1952 में, किसके अंदर, साल्मोनेला टाइफीमीडियम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि किसने किया था और किसमें किया था, ठीक है। ईयर इतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पूछ लेते हैं कि किसके अंदर किया गया था एक्सपेरिमेंट और किसने किया था, ठीक है जी। तो ट्रांसडक्शन में कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। ट्रांसडक्शन के अंदर किसकी हेल्प हो रही है, बैक्टीरियोफेज की हेल्प से एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो पास किया जा रहा है, ठीक है। अब ये दो टाइप का हो सकता है, जनरलाइज्ड हो सकता है, ये जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन हो सकता है, फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन हो सकता है, ठीक है। अभी हम इसे स्टडी करते हैं, पहले हम फिगर में देख लेते हैं, फिर हम रीड ले लेंगे। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होगा कि लेट ये कोई बैक्टीरियोफेज है, इसने इन्फेक्ट कर दिया किसी बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। और ये कैसा था, ये लाइटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया था, ठीक है। ये भी अगर किसी ने अभी तक स्टडी नहीं किया लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, सो पहले उसे उसकी वीडियो देख लेना, बाकी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। लाइटिक और लाइसोजेनिक के अंदर क्या होता है, लाइटिक के अंदर जब ये बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो उसमें डिवाइड करेगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद लाइसिस सेल लाइसिस कर देगा, यानी उसे सेल को तबाह कर देगा, और इसकी इस इस अब इस सेल के अंदर क्योंकि रेप्लिकेट कर गया तो इसमें से अब नंबर ऑफ कॉपीज निकल जाएंगी इस बैक्टीरियल सेल की, है ना।
अब ये फिर ऐसी दूसरे सेल को, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगी। क्लियर। लाइसोजेनी के अंदर क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज होगा, इसका जो डीएनए है जब इंसर्ट कर दिया जाता है तो ये इंटीग्रेट कर जाएगा उस होस्ट सेल के डीएनए के साथ, और एज अ नॉर्मल जब भी होस्ट सेल अपनी रेप्लिकेशन शो करेगा, ठीक है, तो उसके साथ इसका जो डीएनए है, वायरल डीएनए जो इंटीग्रेट कर गया, वो भी डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, तो जब डिवाइड करता रहेगा तो वो प्रोजेनी में पास डाउन होता रहेगा, और 1 in 10,000 केसेस होता है कि लाइसोजेनी वापस से लाइटिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये आपको मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया, जिसने पहले पढ़ा हुआ उसे समझ में आ जाएगा, अगर किसी ने नहीं समझा है तो देख लो अगर फिगर में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कौन सा है, जर्नलाइज ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है लाइटिक फेज है। ठीक है, लाइटिक फेज में क्या होगा कि इसने अपना इंसर्ट जो वायरल डीएनए वो इंसर्ट कर दिया, और क्योंकि लाइटिक है इसने सर्टेन न्यूक्लियसिस फॉर्म करे, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल डीएनए था वो तो हार्म हो गया, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, बट इसका खुद का डीएनए नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है कि इसके रेसिड्यू के अंदर क्या होता है, मिथाइलेटेड साइटोसिन होता है। ये पूछ लेता है कि जब इसने न्यूक्लियसिस सिक्रीट करवाया तो बैक्टीरिया का क्रोमोजोम तो हार्म हो गया, बट ये क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज इसके अंदर मिथाइलेटेड साइटोसिन था, जबकि बैक्टीरियल के अंदर, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर नॉर्मल साइटोसिन था। सो वो इसलिए इन्फेक्ट इफेक्ट कर गया न्यूक्लियसिस से। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने होस्ट की मशीनरी को हाइजैक कर लिया, पहले खुद जो जेनेटिक मेटर है उसका रेप्लिकेशन कराया, फिर जो और वायरस के पार्टिकल्स थे जैसे कैप्सिड हो गया, शीथ हो गया, टेल फाइबर्स हो गया, उनका सिंथेसिस कराया। अब किसकी बारी आई, अब बारी आई असेंबली की। सो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे इनके अंदर शो किया गया है कि वायरस के कैप्सिड के अंदर उसका खुद का डीएनए क्या कर गया, स्टोर कर गया, मतलब एनकैप्सुलेटेड कर गया। ठीक है, एनकैप्सुलेट कर गया इस कैप्सिड के अंदर खुद का वायरल डीएनए जो रेड से शो किया गया। बट अब क्या होगा बाई चांस क्या होगा कि जो वायर जो बैक्टीरियल डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं जो फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया था न्यूक्लियस की हेल्प से, किसी किसी के अंदर क्या होगा कि इस कैप्सिड के अंदर अब ये बैक्टीरियल क्रोमोजोम चला गया। जनरली क्या जाता है, खुद का वायरल डीएनए जाता है, बट इस बार क्या हुआ कि ये बैक्टीरियल डीएनए चला गया, कोई वायरल डीएनए नहीं गया बट बैक्टीरियल चला गया। अब नॉर्मली सेल लाइसिस होना है, सेल लाइसिस हुआ, ये बाहर आ गए, और इस बार क्या हुआ, अब ऐसे बैक्टीरियोफेज ने जब इन्फेक्ट किया किसी दूसरे बैक्टीरियम को जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए था, ठीक है, तो अब बिकॉज वायरल डीएनए तो है नहीं, तो अब सेल लाइसिस दोबारा से होगा नहीं, बिकॉज जीन्स तो इंस्ट्रक्ट करेंगे सेल लाइसिस के लिए, जो इसका फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे और फिर खुद का रेप्लिकेशन करेंगे, सेल लाइसिस करेंगे, इस बार वो सब नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी वायरल डीएनए नहीं है। यहाँ पर इस बार बैक्टीरियोफेज क्या लाया, बैक्टीरियल डीएनए लाया। ठीक है, अभी क्या कर जाएगा, इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो यही होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में मेन क्या बात है, किसका ट्रांसफर हुआ है, बैक्टीरियल क्या हुआ, बैक्टीरियल डीएनए का ट्रांसफर हुआ है। हाँ, हीरा, बैक्टीरियल डीएनए का ट्रांसफर हुआ है, कोई भी वायरल डीएनए ट्रांसफर नहीं किया गया। ठीक है, एक बार रीड ले लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ाया इसके अंदर, फिगर के अंदर, कि अगर बैक्टीरियोफेज जो है वो लाइटिक साइकिल शो करता है, इन्फेक्ट करता है किसी बैक्टीरिया को, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कराएगा, डिग्रेड कर देगा किसे, बैक्टीरियल जो होस्ट के क्रोमोजोम है उसे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, फिर क्या करेगा होस्ट की मशीनरी का यूज़ करेगा, हाईजैक करेगा उसे, खुद का वायरल डीएनए रिप्लिकेट कराएगा और ऐसे जो कैप्सिड वगैरह का फॉर्मेशन कराएगा वायरल कैप्सिड का। ठीक है, बट अब क्या हुआ, असेंबली के टाइम पे गलती से बाय चांस जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम है वो इस कैप्सिड के अंदर एंटर कर गया, जबकि क्या करना चाहिए था, वायरल डीएनए एंटर करना चाहिए था, और वो के अंदर भी वायरल डीएनए किया, बट किसी किसी एक या दो के अंदर बैक्टीरियल क्रोमोजोम चला गया वायरल डीएनए की जगह पर। ठीक है, सो आगे की कहानी में पता ही है कि जब अब ये न्यू वायरस कैप्सूल जिसके अंदर क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोजोम प्रेजेंट है, अब जब वो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा ऐसा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, उस डोनर बैक्टीरियम के अंदर, डोनर बैक्टीरियल क्रोमोजोम में और रेसिपिएंट बैक्टीरियल क्रोमोजोम के अंदर, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, मिक्स कर जाएंगे दोनों। स्पेशलाइज्ड के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ वायरल डीएनए का ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर कौन से आते हैं, टेम्परेट फेज आते हैं, यानी लाइसोजेनिक फेज, ऐसे बैक्टीरियोफाज जो लाइसोजेनिक परफॉर्म करते हैं। तो इस बार भी इसने इन्फेक्ट इंजेक्ट कर दिया अपना जो वायरल डीएनए है, इस बार लाइसिस नहीं होगा बिकॉज ये कैसे वाले हैं, लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं। ठीक है,
अब जब ये इंटीग्रेट कर गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, तो ऐसे पोर्शन को जो इंटीग्रेट कर जाता है वायरल डीएनए, उसमें क्या कहते हैं, प्रोफाज कहते हैं, ठीक है, प्रोफेज। अब नॉर्मली ये जब भी जब अब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, यानी ये बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जब भी बैक्टीरिया नॉर्मली डिवाइड करता जा रहा है, तो अपनी प्रोजेनी में अपने बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इस न्यू पार्ट को भी भेज रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट हो गया उसके बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। जब उसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए डिवाइड करेगा, तो प्रोजेनी के अंदर ये वाला भी चला जाएगा जो वायरल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, जो प्रोफाज पार्ट है, ठीक है। अब 1 in 10,000 केसेस क्या होता है कि ये लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो गई। कैसे, कि कुछ पार्ट वायरल डीएनए के अंदर ऐसा था, कुछ पार्ट प्रोफेज के अंदर यानी ऐसा था जो लाइटिक साइकिल होने नहीं दे रहा था। कुछ सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ सर्टेन जीन्स ऐसा एक्सप्रेस हो रहे थे जिनकी वजह से लाइटिक साइकिल नहीं चल रही थी, बट किसी भी वेरिएशन की वजह से, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन कहें, कुछ भी कहें, 1 in 10,000 एप्लीकेशन में क्या हुआ कि वो सर्टेन जीन्स एक्टिवेट हो गए जिसकी वजह से लाइटिक साइकिल सप्रेस थी। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये जो प्रोफाज है, ये नॉर्मली नॉर्मल लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, जब भी लाइटिक में कन्वर्ट होती है, कि सबसे पहले वो प्रोफाज अपने आप को अलग करेगा इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, ठीक है। अब यहीं पे गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है कि जब इसने अपने आप को अलग किया है, जब इसने अपने आप को एक्साइज किया, कट किया है उस होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए से, तो इसने कुछ पार्ट बैक्टीरिया का भी ले लिया। जैसे फिगर में शो हो रहा है कि रेड के साथ साथ जो रेड वायरल पार्ट है, उसके साथ साथ कुछ ब्लू कलर का बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, नॉर्मल लाइटिक की तरह बिहेव करेगा, तो इसका डिग्रेड कराएगा इस होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए को, अभी फ्रेगमेंट्स में टूटेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये वायरल जो वायरल डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा और अपने जो कैप्सिड है उसका फॉर्मेशन करेगा और असेंबली होगी, ठीक है। तो जैसे हमें फिगर में दिख रहा है, असेंबली में इस बार क्या हुआ, हर कैप्सिड के अंदर ये न्यू वायरल डीएनए जिसके अंदर क्या इनकॉर्पोरेटेड है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए सब में शो हो रहा है ना। तो जब अभी इस ये वाला बैक्टीरियोफेज किसी न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, इसका तो सेलाइसिस हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएंगे। जब ऐसे वाले बैक्टीरियोफेज किसी न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, तो अब उनके अंदर इस बैक्टीरियोफाज के थ्रू क्या पहुंच गया, वायरल डीएनए भी पहुंच गया और क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डीएनए भी पहुंच गया, है ना। तो यही केस था किसका, स्पेशल ट्रांसडक्शन का, और फिर इसे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है जी। और ये यहाँ पे सेलाइसिस क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अब ये क्योंकि है एक्चुअली ओरिजिनली किसका, एक लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज का वायरल डीएनए है, ठीक है। सो वही वाली बात है, इंटीग्रेट कर जाएगा और ये भी इंटीग्रेट कर जाता है इसके अंदर, ये फिर एज अ प्लाज्मिड रह लेगा बाहर, ठीक है। और फिर जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम है वो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद अपनी प्रोजेनी में भी ये न्यू डीएनए पास डाउन करता रहेगा, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन हुआ, तो बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ वायरल डीएनए भी गया, जबकि जनरलाइज में सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए गया है, ठीक है। और ये वाली बात कि लाइटिक बैक्टीरियोफाज जो होता है वो उसकी वजह से जनरलाइज ट्रांसडक्शन होता है, जबकि लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफाज में वो किस में हेल्प कराता है, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के अंदर, ठीक है। सो ये स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन अकर्स व्हेन फाज एक्साइजेस इट्स डीएनए, जो प्रोफाज है आप समझ जाओ कि लाइसोजेनी है, ठीक है, वो एक्साइज करता है और इम्प्रेसाइजली यानी कट करेगा अपना क्रोमोसोम किस में से, होस्ट के क्रोमोसोम में से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस प्रोफेज के साथ साथ जो एक्साइज डीएनए पोर्शन है वो भी उसके साथ जुड़ गया, ठीक है, और वो न्यू वायरस पार्टिकल में सिंथेसाइज कर लिया गया, ठीक है। न्यू वायरस पार्टिकल में क्या कर दिया गया, पैकेजिंग हो गई उसकी, ठीक है। और पैकेजिंग होने के बाद जब सेल लाइसिस हुआ, तो अभी जब नए सेल को जाकर इन्फेक्ट करेगा, नए बैक्टीरियल सेल को, ठीक है, तो वहां पर ये क्या कर देगा, उस डीएनए को डिलीवर कर देगा, ठीक है। और वहां पर क्या हो जाएगी, होस्ट और रेसिपियंट, सॉरी जो डोनर और बैक्टीरियल रेसिपियंट बैक्टीरिया था उनके जो क्रोमोसोम थे वो उनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस था। अब लास्ट आता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, अब तक हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन में कहीं भी डोनर और जो रेसिपिएंट है उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एक जगह एनवायरनमेंट में छोड़ दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन में, जबकि ट्रांसडक्शन के अंदर एक मीडिएटर काम कर रहा था जो था बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बट बैक्टीरियल कंजुगेशन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होता है कि अब ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके अंदर एफ प्लाज्मिड होता है। सी एक तो होता होगा एफ प्लस, एक तो होगा
ऐसा बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसके अंदर खुद का क्रोमोसोमल डीएनए तो है, खुद का क्रोमोसोमल डीएनए तो है, ठीक है, साथ में प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है, एफ प्लाज्मिड, ठीक है, इसे हम कहेंगे एफ प्लस, ठीक है, सॉरी। तो और जो दूसरा होता है, जो बैक्टीरिया बी है, जो बैक्टीरिया बी है उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर उसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए तो है बट कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, एफ नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। सो यही होता है कि एफ प्लस से एफ नेगेटिव के अंदर ये प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाता है, अगर मैं आपको समरी में बताऊं, ठीक है, उस वजह से एफ नेगेटिव भी एफ प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो एफ पॉजिटिव है ये कैसे, इसके अंदर एक सर्टेन लोकेशन पे जिसे हम कहते हैं टीआरए लोकस, ठीक है, क्योंकि तो जीन की भी सर्टेन, बिकॉज ये क्रोमोजोम है, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है, तो इसके अंदर बहुत सारे जीन्स होंगे, तो एक स्पेसिफिक जीन की जगह बताई गई है जहाँ पर ऐसा जीन है जो प्लाई का फॉर्मेशन कराता है, तो उस जीन की लोकेशन क्या है, टीआरए लोकस, ठीक है, वो लोकेशन उसका पता है इस जीन का, ऐसा जीन लेट वो एक्स जीन है जो किसका फॉर्मेशन करा रहा है, पिलाए का फॉर्मेशन करा रहा है, ठीक है। तो एक पिलाए फॉर्म हो गई, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म हो गया। अब बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से किसका ट्रांसफर हुआ है, इस प्लाज्मिड का ट्रांसफर हुआ है, बट ऐसा नहीं होता। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के जो प्लाज्मिड है, जो पिलाए है, सॉरी जो पिलाए है, इसका काम क्या है, सिर्फ अटैचमेंट का काम है। तो हम कहेंगे कि ट्रांसफर फिर किसके थ्रू होगा, ट्रांसफर होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, कैसे कि अटैचमेंट करने के बाद रिट्रैक्ट करता है, एक पास पास लाता है, इस डोनर को और रेसिपिएंट को पास पास ले आएगा, इतना पास कि इसकी जो बेस होता है पिलाया का, वहाँ पे टीआरएडी एंजाइम होता है, उस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर जाएगी, वो फ्यूज़ कर जाएगी। ये मैं आपको इस बार फिगर में शो करता हूँ, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर जाएगी, फ्यूज़ कर जाएगी, जैसे ये है, ठीक है, ये एफ प्लस सेल है, इसके पास इसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है जो है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड क्यों, क्योंकि ये एफ पिलाए का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। अब इसने एफ पिलाए फॉर्म कर दिया, अटैच कर दिया किससे, एक एफ नेगेटिव सेल से जिसके पास कोई भी एफ प्लाज्मिड नहीं है, सिर्फ उसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, इसलिए हमने उसे एफ नेगेटिव कहा। लेकिन ट्रांसफर किसके थ्रू, आपको फिगर में भी शो हो रहा है, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू नहीं हुआ, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब ने क्या किया, इन दोनों को एक तो अटैचमेंट प्रोवाइड कराया, फिर रिट्रैक्शन हुआ इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के अंदर, इस पाइलस के अंदर, ठीक है, उससे क्या हुआ, ये एक दूसरे क्लोज आ गए और इसके बेस पर एक टीआरईडी एंजाइम होता है, उसकी वजह से सेल इन्फ्यूजन हो जाएगा, इस सेल सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्यूजन हो जाएगा, ये जुड़ जाएगी। अब इजिली जो भी रेप्लिकेशन होने के बाद जो सिंथेसाइज किया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, वो ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, रेसिपिएंट के अंदर। इतना क्लियर। अब क्या होगा कि अब ये जो एफ प्लाज्मिड है, ठीक है, ये क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर कट किया जाएगा, कट लगाया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जब ये लीनियर स्ट्रैंड इसकी इसकी अनवाइंडिंग होगी, अनवाइंडिंग होने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्रिएट किया जाएगा, बिकॉज ये तो है नहीं कि ये अपना एक स्ट्रैंड भेज देगा उसमें क्लियर पूरा ही, ठीक है, पहले इस सेल के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्रिएट किया जा रहा है, अब वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसके अंदर सेंड कर दिया गया एफ नेगेटिव के अंदर, ठीक है, जैसे इसके अंदर शो हो रहा है एफ नेगेटिव के अंदर, अभी तक ये क्या एफ नेगेटिव है, ठीक है। जब इसके अंदर इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ गया, अब इसके अंदर भी क्या होगा, वापस इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्रिएट किया जाएगा, तो सॉरी, तो मैं जो बता रहा था कि अब क्या हुआ, इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पास डाउन कर दिया, कौन सा पास किया था, जो पिंक से शो रहा है वो पास किया था, ठीक है। अब क्या होगा, सिंथेसाइज क्या कर लिया गया, ये ब्लैक वाले भी सिंथेसाइज कर लिया गया, तो अब ये दोनों सेम हो गए, है ना, इसके पास भी, क्योंकि इसने जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री भेजा था वो इसमें सेंड कर दिया था पिंक वाले, जो पिंक कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है, फिर इसके अंदर भी सिंथेसाइज कर लिया गया, तो दोनों के पास एफ प्लाज्मिड है, किसने लूज नहीं किया, अल्टीमेटली मेरा इसे बताने क्या है, किसने लूज नहीं किया, ठीक है। हम सोचेंगे भाई दो स्ट्रैंड इसके पास हैं और इसके पास भी अब दो आ गए तो उसने लूज कर दिया होगा, ऐसा नहीं होता, ये भी एफ प्लस सेल है बिकॉज इसने कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट किया, कॉम्प्लीमेंट्री सेंड किया इसके अंदर, और इसके अंदर जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आया तो वापस से उस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से पूरा डबल स्ट्रैंडेड क्रिएट कर लिया गया, ठीक है, तो अब दोनों ही एफ प्लस सेल हो गए, क्लियर।
अब क्या होता है कि अब जैसे ही 10,000 केसेस में से एक के अंदर ऐसा हो जाएगा कि जो प्लाज्मिड है वो क्या हो जाएगा, कंजुगेटिव प्लाज्मिड की तरह एक्ट करेगा। यानी ये क्या करेगा, ये इस बैक्टीरियल जो डोनर सेल होगा, जो एफ प्लस सेल होगा, उसके क्रोमोजोम में इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट हो गया इसके क्रोमोजोम में। और अब क्या होगा कि क्रोमोजोमल डीएनए का स्ट्रैंड, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पास डाउन हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ प्लाज्मिड शेयर किया जा रहा था, प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो रहा था, बट यहाँ पर क्रोमोजोमल डीएनए जब उसके अंदर इंटीग्रेट हो गया, और ऐसे प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, कंजुगेटिव प्लाज्मिड, जो इंटीग्रेट कर जाता है किसके अंदर, क्रोमोजोमल डीएनए के अंदर, जो खुद का बैक्टीरियल का क्रोमोजोमल डीएनए होगा, ठीक है। अब उसमें इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है, अब इसके अंदर बैक्टीरियल बैक्टीरियल का डीएनए भी आ गया, देखो डोनर डीएनए आ गया, और कुछ पार्ट किसका भी आ गया, प्लाज्मिड का भी आ गया। अब ये सेंड किया गया, बाकी प्रोसेस वही सेम है कि पाइलस का फॉर्मेशन होगा, टीआरईडी एंजाइम होगा पाइलस के बेस पर, उससे सेल इन्फ्यूजन होगा, सेल मेम्ब्रेन का इन्फ्यूजन होगा, सेल मेम्ब्रेन का इन्फ्यूजन होने से ये पाथ बन गया जिसके थ्रू ये ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। अब जब इसके अंदर ये पहुंच जाएगा तो अब सेम होगा, सिंथेसाइज किया गया, इसके अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो ये भी अब डबल स्ट्रैंडेड हो गया, और ये किससे फ्यूज कर गया, ये डोनर का डीएनए हो गया पूरा, है ना, और ये हो गया रेसिपिएंट का डीएनए। अभी क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे को क्या हम क्या कहेंगे, एचएफआर, हाई फर्टिलिटी जो रेसिपिएंट रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऐसे हम कहेंगे एचएफआर हुआ ये वाला, ठीक है। तो ये होगा एचएफआर कॉन्जुगेशन। सो एक बार रीड ले लेते हैं। ये रहा, ठीक है। सो कंजुगेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, द प्लाज्मिड जैसे नॉर्मल में हमने देखा, ठीक है, या फिर डीएनए एलिमेंट का भी ट्रांसफर हो जाता है, और अदर सेल्फ ट्रांसमिसिबल डीएनए एलिमेंट, मतलब या तो प्लाज्मिड है या फिर यही जो प्लाज्मिड है, और या फिर जो क्रोमोजोमल डीएनए है, ठीक है, उसका ट्रांसफर भी हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल एंड विया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किस वजह से हुआ, इस सेक्स पाइलस की वजह से हुआ, ठीक है, बाकी ट्रांसफर इसके थ्रू नहीं हुआ, वो आगे स्टडी करेंगे। जो रेसिपिएंट होगा, रेसिपिएंट को हम क्या कहेंगे, ट्रांस कंजुगेंट है, जो रिसीव करेगा डीएनए को, ठीक है। कंजुगेशन काफ़ी बैक्टीरियल स्पीशीज में होता है, ग्राम नेगेटिव में भी होता है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी होता है, इवन बैक्टीरियल प्लांट्स भी ट्रांस कंजुगेशन करते हैं, जो कंजुगेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, ई कोलाई, एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, ठीक है। इसके अंदर ये प्रोसेस डिस्कवर किया गया था, तो आपको तीनों के पता है, ट्रांस डक्शन किसके अंदर डिस्कवर किया गया था, ट्रांसफॉर्मेशन किस स्पीशीज के अंदर सबसे पहले किया गया था, ठीक है, और कंजुगेशन किसके अंदर किया गया था, तो आपको सब पता चल गया, ठीक है। स्टेप्स एक बार देख लेते हैं जो हमने डिस्कस करे। सबसे पहले एफ प्लाज्मिड जो होगा वहाँ पे टीआरए लोकस है, वहाँ पे एक सर्टेन एक्स जीन है जो किसका प्रोडक्शन करा रहा है, स्पिलाए का, ठीक है, ये प्लस सेक्स स्पिलाए का, स्पिलाए का फॉर्मेशन करा रहा है किसके सरफेस पर, एफ सेल पॉजिटिव एफ प्लस की सरफेस पर करा रहा है। अभी क्या करेगा, ये अटैचमेंट कर देगा एफ नेगेटिव सेल से, ठीक है। फिर क्या होगा, अब जैसे लिखा भी कि ये प्लाई जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, अटैचमेंट के लिए, बट ट्रांसफर इसके थ्रू नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफर कैसे होगा, इस प्लाई की बेस पर क्या प्रेजेंट है, टीआरईडी एंजाइम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाएगा दोनों की, ठीक है। अब ट्रांसफर हो सकता है, अब पाथ बन गया, तो अब क्या होगा, जो चीज़ ट्रांसफर करनी है उस पर ध्यान दिया जाएगा, जो जब कंजुगेशन इनिशिएट कर दिया जाएगा, तो जो प्लाज्मिड है, लेट वो प्लाज्मिड है, उसके अंदर कट लगाया गया, ठीक है, यानी निक क्रिएट किया गया, ठीक है। अब जो कट कंजुगेटिव प्लाज्मिड है, ठीक है, उसे अनवाइंड कर लेंगे तो लीनियर फॉर्म, लीनियर उसमें आ जाएगा फैशन में, ठीक है। अब लीनियर फैशन से हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करवा लिया, सिंथेसाइज करवा लिया हमने, ठीक है। अब उस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को भी किसके अंदर पास कर दिया, एफ नेगेटिव के अंदर पास कर दिया, तो अब दोनों सेल कैसे हो गए, एफ पॉजिटिव हो गए दोनों के दोनों ही, ठीक है जी। जैसा बताया कि जब ये क्रोमोसोम जो है, जो प्लाज्मिड है, जब ये फ्यूज कर जाता है बैक्टीरिया के खुद के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, ठीक है, और फिर उसकी उस बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसकी कॉपी पास की जाएगी, तो उसके अंदर बैक्टीरिया का डोनर, जो डोनर
बैक्टीरिया में उसका खुद का डीएनए भी है, क्रोमोसोमल डीएनए, और साथ में कुछ पार्ट प्लाज्मिड का भी है। जब ऐसा किया जाएगा तो जो रिसीवर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उस रिसीवर बैक्टीरियम को एच एफ आर सेल कहेंगे। अब हम एच एफ आर स्टैंड फॉर हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है जी। सो यही होता है, ठीक है। अच्छा, ये सर्टेन एलिमेंट्स हैं, कंजुगेटिव एलिमेंट्स, कि सिर्फ एफ प्लाज्मिड का ही ट्रांसफर नहीं होता, सर्टेन जैसे और भी कंजुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं, काफ़ी ब्रॉड रेंज है इसकी, जैसे आर के टू हो गया, ठीक है, ये भी ट्रांसफर कर दिया जाता है काफ़ी बैक्टीरियल जनरा के अंदर, इवन बैक्टीरिया से फंजाई, जो यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है ना, सो बैक्टीरिया टू यीस्ट भी ट्रांसफर किया जा सकता है कंजुगेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। उसका एग्जाम्पल दिया कि सिर्फ एफ प्लाज्मिड नहीं है और भी हैं, इसके सर्टेन एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो हो गया, वो क्या करता है, वो प्लांट सेल के अंदर ऐसी एक प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है जिसके अंदर ट्यूमर इंड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। तो जब वो प्लाज्मिड किसके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, प्लांट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, तो वो खुद प्लांट का डीएनए क्या फॉर्म कर रहा है, ट्यूमर्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर। और ऐसे ही कंजुगेटिव प्लाज्मिड का यूज़ करके ही एक बैक्टीरिया जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिसने गेन कर लिया है, वो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर कर देता है जो उसके अंदर पहले नहीं था, यू नो। तो एक तरह से उसे सर्वाइव करने में, अब एंटीबायोटिक्स उसके अगेंस्ट काम ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, एक वाइड आउटब्रेक हो सकता है डिजीज़ का। तो ऐसा किसके अंदर होता है, शाइगेला स्पीशीज़ के अंदर होता है ऐसा। और ऐसे कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस को बनाते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं ये एबिलिटी, ऐसे को क्या कहते हैं, आर प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है जी। सो यही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको ये नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।